हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गीकी रे। और इस वीडियो में एक बार फिर से कुछ एक्शन पैक्ड क्राइम थ्रिलर मूवीज की बात करते हैं। इस लिस्ट में एक्सप्लोसिव एक्शन मूवीज, डेयरिंग हाइस्ट मूवीज और थ्रिलिंग गैंगस्टर मूवीज भी शामिल है। और हाँ फ्रेंड्स, ये लिस्ट का पार्ट टू है, तो पार्ट वन को भी चेक कर लेना। आई होप आपको ये मूवीज भी पसंद आएंगे। नाउ बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लिस्ट की फर्स्ट मूवी है द अकाउंटेंट। इस मूवी में क्रिश्चियन वुल्फ की कहानी दिखाई गई है, जो वर्ल्ड के सबसे डेंजरस क्रिमिनल्स के लिए एक अकाउंटेंट का काम करता है। लेकिन जब यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रेजरी डिपार्टमेंट क्रिश्चियन के पीछे पड़ जाता है, तब क्रिश्चियन उनसे बचने के लिए एक लेजिट क्लाइंट लिविंग रोबोटिक्स कंपनी के लिए काम करने लगता है। लेकिन वहां भी क्रिश्चियन को कंपनी के बारे में कुछ ऐसे राज पता चलते हैं जिससे क्रिश्चियन की लाइफ खतरे में पड़ जाता है। लेकिन क्रिश्चियन भी कोई नॉर्मल अकाउंटेंट नहीं है। द अकाउंटेंट 2016 में बनी एक एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसमें लीड रोल में बेन एफ्लेक ने काम किया है और एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। मूवी की स्टोरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, लेकिन मूवी बहुत ही इंट्रीगिंग है। मूवी एक्शन हैवी तो नहीं है, लेकिन जितने भी एक्शन सीन्स हैं सभी एकदम टॉप नॉच है। और आप द अकाउंटेंट को जियो सिनेमा और प्राइम वीडियो पर हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में देख सकते हो। लिस्ट की नेक्स्ट मूवी है बेबी ड्राइवर। इस मूवी में एक पार्शियली हेयरिंग इम्पेयर्ड यंग बॉय बेबी की कहानी दिखाई गई है, जो एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड डॉग के लिए गेटवे ड्राइवर का काम करता है। बेबी अपने हेयरिंग प्रॉब्लम्स के लिए हर वक्त म्यूजिक सुनता रहता है, लेकिन इस बिजनेस में उससे अच्छा ड्राइवर कोई भी नहीं है। पर बेबी इस क्रिमिनल लाइफ से निकलना चाहता है, लेकिन डॉग अपने इस लकी चार्म बेबी को जाने नहीं देना चाहता और एक आखिरी बिग हाइस्ट के लिए बेबी को राजी करता है। बेबी ड्राइवर 2017 में बनी एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे एडगर राइट ने डायरेक्ट किया है और इस मूवी में एंसल एल्गोट ने लीड रोल में काम किया है। और ये मूवी एकदम धमाकेदार एक्शन पैक्ड फास्ट पेस्ड कार चेस सीक्वेंस से भरा हुआ है। और साथ ही इस मूवी में बहुत सारे A-list एक्टर्स भी हैं। और ये मूवी एक हाई ऑक्टेन थ्रिल राइड है। मूवी की स्टोरी भी काफी यूनिक और एंजॉयबल है और इसकी एंडिंग भी बहुत ही अच्छी है। ओवरऑल बेबी ड्राइवर एक न्यू टाइप की एक्शन मूवी है, विद सम स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस एंड सम फास्ट पेस्ड कार चेस सीक्वेंस एंड सम ग्रेट म्यूजिक। और आप बेबी ड्राइवर को हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। लिस्ट की नेक्स्ट मूवी है ट्रिपल फ्रंटियर। इस मूवी में US स्पेशल फोर्सेस के 5 एक्स ऑपरेटिव साउथ अमेरिका के एक ड्रग लॉर्ड को हंट करके उसके $75 मिलियन को चुराने का प्लान बनाते हैं। लेकिन उनका ये प्लान कितना सफल होता है वो आपको मूवी में देखना होगा। ट्रिपल फ्रंटियर 2019 में बनी एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसमें लीड रोल में बेन एफ्लेक, चार्ली हनम, ऑस्कर आइजैक और पेड्रो पास्कल ने काम किया है। और ये स्टार कास्ट एक्शन लवर्स के लिए एक ड्रीम कास्टिंग है। और इस मूवी के एक्शन सीन्स काफी फास्ट पेस्ड और वेल कोरियोग्राफ्ड है। और ये मूवी एक थ्रिलर से ज्यादा एक एक्शन मूवी है, लेकिन साथ ही मूवी स्टोरी ड्रिवन भी है और सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि सर्वाइवल, मॉरल एम्बिग्यूटी और ब्रदरहुड की कहानी भी दिखाता है। और आप ट्रिपल फ्रंटियर को नेटफ्लिक्स पर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में देख सकते हो। लिस्ट की नेक्स्ट मूवी एक सीक्वल मूवी है, सिकारियो डे ऑफ द सोल्डाडो। इस मूवी में CIA ऑफिसर मैट ग्रेवर और एक मिस्टीरियस असैसिन अलेहांड्रो एक बार फिर से टीम अप करते हैं और वो US मेक्सिको बॉर्डर में एक्टिव एक मेक्सिकन ड्रग कार्टेल के किंगपिन को अपने हाइडआउट से बाहर ले आने के लिए उसके डॉटर को किडनैप करते हैं। लेकिन उनका ये मिशन एकदम डिरेल हो जाता है जब मेक्सिकन पुलिस और मेक्सिकन कार्टेल एक साथ उन पर हमला करते हैं और वो बॉर्डर के उस पार बिना किसी सपोर्ट के फंस जाते हैं। सिकारियो डे ऑफ सोल्डाडो 2018 में बनी एक एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है। और फ्रेंड्स, ये मूवी डेनिस विल्नोव के सिकारियो का सीक्वल कम है और स्पिन ऑफ ज्यादा लगता है, क्योंकि ये मूवी पूरी तरीके से एक एक्शन ओरिएंटेड मूवी है। लेकिन इस मूवी में भी दोनों लीड एक्टर्स जॉस ब्रोलिन और बेनिसियो डेल टोरो की एक्टिंग एकदम परफेक्ट है। और ये मूवी फर्स्ट पार्ट से बहुत ही ज्यादा एक्शन पैक्ड भी है और मूवी के एक्शन सीन्स काफी इंटेंस है। ओवरऑल एक ग्रिपिंग एक्शन पैक्ड वायलेंट थ्रिलर मूवी के लिए सिकारियो डे ऑफ सोल्डाडो को आप लैंसगेट प्ले पर देख सकते हो। लिस्ट की नेक्स्ट मूवी एक और डार्क क्राइम थ्रिलर मूवी है, हेल और हाई वाटर। इस मूवी में वेस्ट टेक्सस के दो भाई टोबी और टैनर की कहानी दिखाई गई है। ये दो भाई मिलके टेक्सस में सीरीज ऑफ बैंक रॉबरीज करते हैं, लेकिन वो सिर्फ टेक्सस मिडलैंड्स बैंक्स को ही लूटते हैं और वो भी अपने फैमिली रैंच जो इस टेक्सस मिडलैंड बैंक के पास ही गिरवी पड़ा है उसे बचाने के लिए ये रॉबरीज करते हैं। लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स तब बढ़ जाती है जब इन बैंक रॉबर्स को पकड़ने के लिए दो टेक्सस रेंजर्स मार्कस और एल्बर्टो को बुलाया जाता है। हेल और हाई वाटर एक मॉडर्न डे वेस्टर्न मूवी है, जिसकी स्टोरी तो न्यू नहीं है, लेकिन मूवी का एग्जीक्यूशन बहुत ही अमेजिंग है और ये मूवी वन ऑफ माई फेवरेट्स में से है। मूवी में बहुत ज्यादा एक्शन भी नहीं है, लेकिन ये मूवी बहुत ही पावरफुल परफॉर्मेंसेस से भरा हुआ है। मूवी में क्रिस पाइन, बेन फॉस्टर और जेफ ब्रिजेस इन तीनों एक्टर्स ने अपने रेस्पेक्टिव रोल्स में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दिया है। ओवरऑल हेल और हाई वाटर एक ग्रिपिंग क्राइम ड्रामा मूवी है और मेरे हिसाब से क्राइम थ्रिलर मूवी फैंस के लिए ये एक मस्ट वॉच है और आप इस मूवी को प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। और लिस्ट की लास्ट मूवी है स्नैच। इस मूवी में दो इंटरकनेक्टेड स्टोरीज दिखाई गई है, जहां एक तरफ है एक बहुत कीमती डायमंड जिसे बेल्जियम से चुराकर लंदन ले आया जाता है और इस डायमंड
के लंदन आते ही पूरे लंदन का क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड इस डायमंड के पीछे पड़ जाता है। और दूसरी तरफ स्टोरी में दो इलीगल बॉक्सिंग प्रोमोटर तुर्किश और टॉमी है जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं जब उनके फिक्स किए गए फाइट से पहले ही उनका फाइटर घायल हो जाता है। स्नैच 2000 में बनी एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे गाय रिची ने लिखा और डायरेक्ट किया है और ये मूवी वन ऑफ हिज बेस्ट वर्क्स में से है। मूवी बहुत ही एंटरटेनिंग है और ए लिस्ट एक्टर्स से भरा हुआ है। मूवी में जेसन स्टैथम, ब्रैड पिट, स्टीफन ग्राहम, विनी जोन्स और बेनिसियो डेल टोरो ने काम किया है। मूवी का प्लॉट काफी इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग है जो एक्शन और ह्यूमर दोनों से भरा हुआ है। ओवरऑल स्नैच एक बहुत ही एंटरटेनिंग, फनी, एक्शन पैक्ड हाइस्ट मूवी है और आप इस मूवी को हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स और सोनी लिप पर देख सकते हो। एंड दैट्स द लिस्ट फ्रेंड्स। आई होप आपको ये मूवीज पसंद आएंगे। ऐसे और मूवीज एंड सीरीज रिकमेंडेशन वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।